बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू साइकोलॉजी हब। और आज हमने जो लेक्चर करना है वो है लेक्चर नंबर 11, थ्योरीज ऑफ जेंडर डेवलपमेंट पे। हमने पिछले लेक्चर में बिहेवियर्स लर्निंग अप्रोचेस पढ़ी थी, जिनमें था क्लासिकल लर्निंग, ऑपरेंट लर्निंग और लर्निंग बाय कंडीशनिंग। तो आज हमने करना है कॉग्निटिव अप्रोच। कॉग्निटिव अप्रोच क्या होता है? सबसे पहले हमें कॉग्निशन का वर्ड क्या है, इसका मतलब होता है नॉलेज, द प्रोसेस ऑफ नॉलेजिंग। दिस अप्रोच फोकसेस अपॉन दी थॉट प्रोसेस अंडरलाइन लर्निंग। ये इस बात पे फोकस करते थे कि हमारे लर्निंग के पीछे थॉट्स क्या किरदार अदा करती हैं। द अप्रोच दैट गिव इम्पोर्टेंस टू कॉग्निशन व्हेन अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनिंग बिहेवियर। दिस थ्योरी गिव्स इम्पोर्टेंस टू द इंटरनल स्टेट्स ऑफ द पर्सन दैट, ये मैं पढ़ रही हूँ ये वाला पोर्शन, स्टेट ऑफ अ पर्सन एज वेल एज द इन्वायरमेंटल इवेंट्स। हाउएवर इट इज़ दी थिंकिंग एंड परसेप्शन दैट इज़ दी की फैक्टर। ये क्या कहते थे कि सबसे पहले तो इंसान के अपने अंदर क्या चल रहा होता है, उसके बाद उसका इन्वायरमेंट जो होता है वो थिंकिंग डिवेल्प करने में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, और सेकेंड जो सबसे इम्पोर्टेंट वो है थिंकिंग एंड परसेप्शन। परसेप्शन इज हाउ वी सा दी थिंग्स, हम जैसे चीज़ों को देखते हैं हम वही लर्न करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। The term cognition refers to the knowledge as well as the process of knowing. Cognitive approach emphasizes on thought, feeling, thinking, values and expectation, etc. The core of the cognitive approach is the idea that people thinking determine how they will perceive the world. ये मैं बात कर रही थी कि हमारी जो thinking है वो बेस करती है इस चीज़ पर कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। हम अपने mind में अगर सोच लेते हैं कि butterfly is beautiful, तो हम उसे ब्यूटीफुल ही देखेंगे। हालांकि बटरफ्लाइज जो दूसरी होती हैं, कैटरपिलर जो रात को आती हैं, वो इतनी प्यारी नहीं होती। पर अगर हमने सोच लिया कि बटरफ्लाई का मतलब होता है ब्यूटीफुल इंसेक्ट, तो हम उसे ब्यूटीफुल ही देखेंगे। हम नहीं देखेंगे कि जो रात वाली होती है वो और होती है, दिन वाली जो फूलों पर बैठती हैं वो और होती हैं। द कॉग्निटिव अप्रोच टू जेंडर रोल्स, ये कह रहे हैं कि जेंडर रोल में क्या कॉग्निटिव अप्रोच पार्ट प्ले करती है। द थ्योरी प्रोजेस्ट द इंट्रैक्शन ऑफ अ मेंटल स्कीमाज एंड सोशल एक्सपीरियंस इन डायरेक्टिंग जेंडर रोल बिहेवियर। द कॉग्निटिव अप्रोच फोकस अपॉन द चिल्ड्रन चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग। अ चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग रेफर टू द वे ही शी परसीव एंड टैकल अ फिनोमेना। कि बच्चे की जो थिंकिंग प्रोसेस है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो कैसे किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करता है। इन्फॉर्मेशन अबाउट जेंडर इज ऑर्गेनाइज इनटू अ सेट ऑफ बिलीव्स अबाउट द सेक्सेस। जेंडर स्कीमाज एंड जेंडर स्कीमाज इज अ मेंटल फ्रेमवर्क दैट ऑर्गेनाइज एंड गाइड चाइल्ड अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट टू जेंडर। ये क्या कहते हैं कि जो जेंडर के बिलीव्स होते हैं जो हमें इन्वायरमेंट की तरफ से मिलते हैं, मतलब कि कौन से टॉयज एक लड़के के लिए और कौन से टॉयज एक लड़की के लिए हैं, ये सब जेंडर रोल्स डिफाइन करते हैं। और ये बच्चे इनकी बिहाफ पर कॉग्निटिव अप्रोच वर्क करती है। एग्जाम्पल, इफ अ चाइल्ड इज सीन वुमन इज बींग रिस्पेक्टेड इन हिज फैमिली, ही विल परसीव वुमन एज अ respectable being, and if he has seen women being battered and maltreated, he will perceive them as a some low grade creature. और ये बात जब बड़े भी हो जाते हैं तो रहती है। लॉरेंस कोहलबर्ग कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर कॉन्सिस्टेंसी। जेंडर कॉन्सिस्टेंसी क्या थी? जेंडर कॉन्सिस्टेंसी इज भाई जब जेंडर एक चीज हम कॉन्स्टेंट लेके आ जाते हैं कि जेंडर उस चीज को करना स्टार्ट कर दिया, बस इधर रुक गया, थिंकिंग प्रोसेस इज कॉन्स्टेंट हो जाता है। वो क्या उसने थेरीज पेश की थी? Children understanding gender just as they understand anything else. Children have experience with people of both gender. They think about the experiences, having made sort of a mental notes which male and female do. ये क्या कह रहे हैं कि जो भी एक छोटा बच्चा होता है, जो वो अपने सामने देखता है, जो चीज़ें वो ऑब्जर्व करता है पेरेंट्स में, वो अपने माइंड में एक मेंटल नोट्स बनाना शुरू करता है और लेटर ऑन वो उन्हीं नोट्स पे काम कर रहा होता है। The gender role that children adopt are organized around this behavior, around the classification. This classification, according to Kohlberg, acquisition of a gender role results from a gender consistency. A child understanding and awareness of his or her sex is permanent, constant, and will never change. Gender consistency is also known as the sex category constancy in modern literature. मतलब कि अगर वो बचपन में देखता है कि appearance के बिहाफ पर कि जो लड़कियां होती हैं वो colorful dresses पहनती हैं, blue, yellow, जो भी पहनो, और ये वाले टॉयज एक लड़की के लिए हैं और ये वाले टॉयज एक लड़के के लिए हैं, तो वो कांस्टेंट बना देता है कि बस अब मुझे इन्हीं टॉयज के साथ खेलना है, क्योंकि मेरे साथ के मेरी जेंडर के जब जेंडर जेंडर के बारे में उसके अंदर थिंकिंग डिवेलप हो रही होती है, जेंडर डिवेलपमेंट हो रही होती है, तो वो ये चीज़ें ऑब्जर्व करता है, उसके बाद उनको कैरी ऑन साथ लेकर चलता है। जेंडर कॉन्सिस्टेंसी इज द की ऑफ अ जेंडर टाइपिंग अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग। देन ये उन्होंने जेंडर आइडेंटिटी थ्री स्टेप्स, उन्होंने थ्री स्टेजेस बताई थी। सबसे पहले जेंडर आइडेंटिटी, जब
थोड़ा थोड़ा जेंडर के बारे में अवेयर होना स्टार्ट होता है वो होते हैं 2 to 3 years। ये जेंडर आइडेंटिटी एंड जेंडर स्टेबिलिटी, इधर रियलाइजेशन होती है कि कौन से रिस्पेक्टेड काम हुए हैं, कौन से रिस्पेक्टिवली काम है, और अपीयरेंस देख के आप अपनी, अगर आप एक लड़की है वो अपनी माँ को देखेगी कि माँ मेरी कैसे काम करती है, कौन कौन से काम करती है, देन वो जेंडर डेवलपमेंट होगी और वो उसे खुद बखुद अंदाजा होना स्टार्ट हो जाएगा कि मैंने भी वही करने हैं। देन स्टीरियोटाइप बिहेवियर, देन स्टीरियोटाइप बिहेवियर इज समथिंग दैट बिलीव्स, सोसाइटी जो हमें सिखाती है सोसाइटल बिलीव्स को कहते हैं। जेंडर कंसिस्टेंसी, दिस अवेयरनेस दैट जेंडर रिमेन द सेम नो मैटर वन वियर्स हु वन बिहेव, इधर तक जो पहली दो स्टेज इधर तक बच्चे अपीयरेंस से देखते हैं, जबकि जब जेंडर कंसिस्टेंसी आना स्टार्ट हो जाती है उसके बाद ये सेंस डेवलप होती है कि कुछ भी हो जाए जेंडर एक कॉन्स्टेंट चीज है, नो मैटर कि हम कौन से कपड़े पहन रहे हैं, कौन कैसे बिहेव कर रहे हैं और हेयर स्टाइल्स कैसे कोई रख रहा है, एक जेंडर एक कॉन्स्टेंट चीज है। वो जेंडर इतनी जेंडर कंसिस्टेंसी में ये वाली थिंकिंग डिवेल्प होना स्टार्ट हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा अपने घरों में भी कि बच्चा जो होता है छोटा, मेरे भांजे भांजियां हैं तो मैं देखती रहती हूँ कि जब वो छोटे होते हैं तो एक सेंस डिवेल्प होती है दैट मैं रेड नहीं पहनूंगा क्योंकि मेरी बहन रेड पहनती है और लड़कियां रेड पहनती हैं, दे ऑफन वो नहीं पहनते। तो ये वाली ऊपर वाली दो जो स्टेजेस थी उन तक होता है, जब जेंडर कंसिस्टेंसी आना स्टार्ट हो जाती है तो फिर डिवेल्प होती है सेंस के इसका ये मतलब नहीं है कि अगर रेड लड़के ने पहन लिया तो वो लड़की बन जाएगी, फिर आगे से डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। डिफरेंट रिसर्चर्स हैव यील्ड फाइंडिंग क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एंड इवन कॉन्ट्रेरी टू कोहलरबर्ग हाइपोथेसिस दैट जेंडर कंसिस्टेंसी स्टेज इज द पॉइंट वेयर चिल्ड्रन एक्चुअली लर्न जेंडर रोल्स एंड रेलेवेंट अप्रोप्रिएट बिहेवियर। इट हैज बीन सेड दैट 2.5 years of age children began to prefer the company of children of their own sexes. Also girls are more interested in doll and boys in cars. ये उन्होंने जो उसके बाद रिसर्च हुई है वो उन्होंने थोड़ी सी लिखी है, ये आप लोग पढ़ लेना, मैंने जस्ट एक्सप्लेन कर दिया है कि बेसिकली जेंडर रोल्स इन जेंडर कंसिस्टेंसी होती क्या है। जेंडर स्कीमाज थ्योरी, स्कीमाज इज अ मेंटली ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ जेंडर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर। स्कीमाज अगेन से मैं बता दूं, शायद मैंने पहले बताया है या नहीं, जेंडर स्कीमाज बेसिकली, स्कीमाज जो वर्ड है उसका मतलब होता है बिलीव्स, अ सेट ऑफ बिलीव्स। जेंडर स्कीमाज जेंडर के बारे में बिलीव, जेंडर स्कीमा इज अ मेंटल फ्रेमवर्क दैट ऑर्गेनाइज एंड गाइड चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट टू जेंडर, फॉर एग्जाम्पल इन्फॉर्मेशन अबाउट विच टॉय आर फॉर गर्ल एंड विच टॉय आर फॉर बॉय फ्रॉम स्कीमाज दैट गाइज बिहेवियर। मतलब अगर बचपन में उसने सीखा है कि ये टॉयज लड़की के लिए और ये लड़के के लिए, तो वो जेंडर स्कीमाज होते हैं, उसके बिलीफ बन जाते हैं और वो उन पे ही वर्क करता है लेटर ऑन हिज लाइफ। अकॉर्डिंग टू जेंडर स्कीमाज थ्योरी, चिल्ड्रन फर्स्ट डिवेल्प अ सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट ऑफ मेल एंड फीमेल डिस्टिंक्शन एंड लेटर ऑन इम्प्लाई इट यूनिवर्सली। First of all, children learn what sex they are. Then they develop a concept of what it means to be a male and female. And then their culture on the basis of development of the concept that begin to take on a gender roles. आगे क्या आता है? Whatever observation they have of a man and a woman, they organize those around the gender schema that they have formed as a result of their observation of how their society classify behavior as a male or female, including quotes and toys. ये सारी वही चीजें वापस से repeat हो रही हैं जो ऊपर मैं सारी करके आ चुकी हूँ। I'm sorry. बैटरी थोड़ी सी लो है। यहाँ एक और एग्जांपल दी हुई है कि अगर एक बच्चा घर में देखता है कि जो कुकिंग रिलेटेड और किचन रिलेटेड काम है, जो घर के काम है, वो अम्मी करती हैं, और जो कि अगर इलेक्ट्रिक अप्लायंस हो जाए या फिर कोई टफ टास्क होता है वो बॉय प्ले करता है, उसका फादर प्ले करता है, तो वो उसके अंदर ये डिवेल्प हो जाती है कॉन्सेप्ट दैट हाउस होल्ड कोर्स आर मेंट फॉर गर्ल्स और मदर्स, और जो बाहर के काम है, जो टफ टास्क है, वो फादर करता है। बस आगे इन्होंने क्या लिखा, दिस लीड टू द एसिमिलेशन ऑफ अदर सिमिलर आइडियाज एंड परसेप्शन कि मेंस आर स्ट्रांग एंड वुमेन्स आर वीक, ऐसे भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं आइडियाज, या फिर ऐसी थिंकिंग डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। सॉरी, इफ द फादर हैज टू कुक ऑन अ रेयर ओकेजन इट डजंट मैच विद द ऑल इन कंट्रोल स्कीमाज ऑफ द फादर एंड द चाइल्ड नोट्स द डिस्परेंसी। अगर उसका फादर, या वो बता रहे हैं कि अगर उसका फादर कुछ ओकेजन पर कुक करता है तो वो उसके अंदर थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी स्टार्ट हो जाती है कि थोड़ा सा कुछ तो अलग है इस उसके अंदर, फिर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, फिर वो देखता है, फिर वो ऑब्जर्व करता है कि ऐसा क्यों होता है। जेंडर स्कीमाज इन्फ्लुएंस जजमेंट अबाउट बिहेवियर दस प्रमोटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स। अगर ये वही जो कोहलरबर्ग ने बताए हैं 3 stages, जेंडर आइडेंटिफिकेशन, जेंडर स्टेबिलिटी, जेंडर कंसिस्टेंसी, उसी को उन्होंने टेबल के फॉर्म में लिखा हुआ है दैट जेंडर आइडेंटिफिकेशन इज अ 2 to 3.5 years, चिल्ड्रन बिलीव इट इज पॉसिबल टू चेंज सेक्स बाय वेयरिंग क्लॉथ। उधर उधर डेवलप नहीं होती, वो ये सोच रहे होते हैं, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी कि मेरे भांजा ऐसे बिहेव करता है कि उनको लगता है कि अगर हम दूसरे सेक्स के कपड़े पहन लेंगे तो हम चेंज हो जाएंगे, हमारी जेंडर चेंज हो जाएगी।
तो ऐसी सेंसेस डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है. देन जेंडर एबिलिटी 3.5 to 4.5 ईयर, इधर सेक्स इज स्टेबल ओवर टाइम, नॉट सिचुएशन ही. ओल्डर पीयर्स एंड सिबलिंग्स आर मॉडल फॉर सोशल लर्निंग ऑफ जेंडर रोल्स. बॉयज में प्ले विद टॉयज सोशली लेबल्ड एज गर्ल्स टॉय, दे डू नॉट ओन देम अल्टीमेटली. चाइल्ड अप्लाइज लेबल टू सेल्फ एंड अदर, दे मे बी इनकॉन्सिस्टेंस. अभी तक भी कॉन्सिस्टेंसी नहीं आ रही होती, लेकिन उनको इतना डिवेल्प हो जाता है कि वो लड़कियों के खिलौनों के साथ खेलता है और थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल करने की पोजीशन में अभी नहीं होता. देन जेंडर कंसिस्टेंसी, दैट इज द मेन डेवलपिंग, दैट इज द स्टेज ऑफ डेवलप, जहां सेक्स डेवलप हो चुकी होती है उससे पता चल चुका है कि कौन सी रोल्स हैं मेरे. अगली जो थ्योरी हमने स्टडी करनी है, दैट इज स्लेबी एंड फेरी. इन्होंने क्या किया था कि जो भी एक बच्चा होता है चाइल्ड पे ज्यादा इन्होंने भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट चाइल्ड पे किया था कि जो चाइल्ड होता है वो अपनी सेम सेक्स को मॉडल बनाता है और फिर उसे देखकर वो अपने अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट होती है उससे ऑब्जर्व करके. कॉग्निटिव थ्योरी आर्ग्यू दैट जेंडर बिहेवियर इज लर्न्ड बाय व्यूइंग अदर बिहेवियर थ्रू सोशल लर्निंग प्रोसेस. लर्निंग बाय जेंडर रोल बाय प्री स्कूलर्स. अब प्री स्कूलर्स में कैसे डेवलप होती है? प्री स्कूलर डू नॉट हैव एन आइडिया ऑफ जेंडर रोल, बट देयर कॉग्निटिव एक्सपीरियंस आर सिंपल नॉट कॉम्प्लेक्स. दे सी थिंग्स इन सिंपलर टर्म एट कॉन्क्रीट लेवल. दे सी मेल्स एंड फीमेल्स आर टोटल ऑपोजिट एज दे जज थिंग ऑन देयर अपीयरेंस एंड फेस वैल्यूज. फॉर एग्जाम्पल, थिंकिंग दैट द वॉल्यूम ऑफ वाटर चेंज वेन पोर्ड इन टू अ डिफरेंट शेप्ड ग्लासेस आर द वॉल्यूम ऑफ द प्लास्टिक चेंज. ये कह रहे हैं कि जो प्री स्कूलर्स होते हैं उनको नहीं इतना डिवेल्प होता, वो ऐसे ही जेंडर को और चीजों को देखते हैं जैसे कि दे डोंट इवन डिफरेंस के अगर पानी को एक प्लास्टिक के बाउल में डालें और एक प्लास्टिक ग्लास में डालें तो दोनों की शेप्स अलग होगी. वो ये भी सोच सकते हैं कि प्लास्टिक चेंज हो रहा है, पानी वही रह रहा है. पास्ट एक्सपीरियंस हैव नॉट येट असिमिलेटेड इनटू देयर एग्जिस्टेंस स्कीमास. प्री स्कूलर कॉग्निटिव पैटर्न आर इगोसेंट्रिक एंड स्टैटिक. Children develop a simplified concept of male and female distinctions and they apply it universally. Children form a script. ये different researchers की उन्होंने research बताई मैं कि उन्होंने क्या research किया था और क्या उन्होंने अपनी बाद में एक theory type दी थी. Children form a script describing what the various gender roles should be and then intellectually follow that script. Children fit their cognitive experience into the script they have. If their experience are vague, ambiguous or contradictory, then preschooler look for the script. ये क्या कहते हैं कि एक जो प्री स्कूलर होता है, जो बहुत छोटा बच्चा होता है, वो अपने दिमाग में एक मेंटल नोट्स बनाता है और जब वो किसी भी चीज को देखते हैं अगर वो उसे अजीब या फिर मुश्किल नजर आती है देन वो गोज फॉर दो स्क्रिप्ट जो उसने पहले बनाए थे देन दे स्टडी. इन अ स्टडी चिल्ड्रन वर गिवन जेंडर न्यूट्रल अनफेमिलियर टॉयज. इनिशियली दे ट्राई टू फाइंड आउट एंड डिसाइड इफ दे वर मेंट फॉर बॉयज और गर्ल्स. ये उन्होंने स्टडी की थी मार्टन इन 1995 में कि बच्चों को टॉयज दिए जाते थे अनफेमिलियर. पहले उनको ये डिसाइड करना होता जो प्री स्कूलर थे, जो अभी अभी जाते हैं स्कूल्स, तो वो उनको पहले डिसाइड करना होता था कि ये टॉयज बॉयज के हैं या गर्ल्स के. वो उन्होंने टॉयज पहले कभी नहीं देखी होती. देन दे मेड अ डिसीजन कंसीडरिंग विच वंस दे वांटेड टू प्ले विद और नॉट. द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेल्फ सोशलाइजेशन. चिल्ड्रन आर द प्रोटोगोनिस्ट इन देयर ओन जेंडर रोल सोशलाइजेशन एंड एक्ट एज एक्टिव एजेंट. सेल्फ सोशलाइजेशन इन अ 3-step प्रोसेस. Around age 5 to 6, children learn to classify themselves as male and female, and sex as a permanent quality is recognized. Children are motivated by this self-categorization to value characteristics and behavior associated with their sex. They try to bring their own behavior and participate with the behavior considered gender appropriate in their culture. So, children identity and the note gender behavior identify and note their gender identity and make effort to remove disparities between the two. ये क्या कह रहे हैं कि बच्चे just पहले observe करते हैं और उसके बाद अपने उसके रिलेटेड वो एसोसिएट करते हैं बाद में होने वाले इवेंट्स को. देन ये आगे पिगट स्टेज ऑफ कॉग्निशन डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ जेंडर रोल्स. पिगट ने भी स्टेजेस दी थी. दैट एज अ प्री ऑपरेशनल 2 to 4 ईयर होता है. इसमें क्या होता है, थिंकिंग इज कॉन्क्रीट नॉट लॉजिकल. जजेस ऑन अपीयरेंस जेंडर लेबलिंग सेम इसी तरह था जैसे कि पिछली स्टेज में जो पहली जेंडर उन्होंने जो स्टेज बताई थी कोलर बर्ग ने, सेम उसी तरह है प्री ऑपरेशनल स्टेज. डिवेल्प्ड कैटेगरीज एसोसिएटेड विद सेक्स एंड जेंडर आइडेंटिफाई देम एज मेल और फीमेल यूज स्टीरियोटाइप्स रूल्स. कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 12 ईयर. थिंकिंग इज लॉजिकल बट लिमिटेड टू कॉन्क्रीट. थोड़ी सी लॉजिकल होती है. कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिमिनेंस ऑफ जेंडर डिवेल्प्स. फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ये वो वाली स्टेज होती है जब थिंकिंग इज साइंटिफिकली लॉजिकल कैन बी अप्लाई टू अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट. जब उसे समझ आना शुरू हो जाती है वट इज जेंडर एंड जेंडर रोल्स की. एडोलेसेंस बिकम मोर रिजिड इन सेक्स टाइपिंग.
इन दी कॉग्निटिव अप्रोच दी ओनली बेस्ट अप्रोच. अब यहाँ इस दी कॉग्निटिव अप्रोच इज दी ओनली बेस्ट अप्रोच, यहाँ ये पूछ रहे हैं कि क्या कॉग्निटिव अप्रोच बेस्ट है, इसकी लिमिटेशन क्या है, इसमें कौन कौन सी इन्होंने गलतियां की थी जो कॉग्निटिव अप्रोच जिन्होंने दी थी उसमें ये था कि इन्होंने बायोलॉजिकल फैक्टर को बिल्कुल इन्वॉल्व ही नहीं किया था पूरी में, तो यही इनका था. उसके अलावा ने कल्चरल डिफरेंसेस इन फॉर्मिंग जेंडर रोल आर नॉट एड्रेस्ड, ये दो लिमिटेशंस थी. अगर कोई अगर क्वेश्चन आता है कि लिमिटेशन ऑफ कॉग्निटिव अप्रोच तो आप ये लिख सकते हैं. देन होप सो आपको समझ आ गया हो, थोड़ा सा लेंथी था तो मैंने सही से एक्सप्लेन करने की कोशिश की अपनी तरफ से, बाकी इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा. एंड देन टिल देन अल्लाह हाफिज, अगले लेक्चर में मुलाकात होती है.